नागपुर जिला परिषद चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ, 13 में से 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, एनसीपी के खाते में एक सीट। महाराष्ट्र के अकोला में तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, अवैध खनन रोकने गए थे अधिकारी, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी नेता अनिल बलूनी का बयान, नकल माफिया हो या भ्रष्टाचारी सभी पर होगी कार्रवाई। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन, 12 किलो का पैकेट भी हुआ बरामद। गुरमीत राम रहीम के सिरसा पहुंचने पर जश्न, समर्थकों ने फोड़े पटाखे, पेरोल पर आया बाहर। पंजाब सरकार ने किसानों को बांटी बेलर मशीन, पराली जलाने से मिलेगी मुक्ति। झारखंड के लोहरदगा में जंगली हाथियों से किसान परेशान, फसल बर्बाद कर रहे हैं हाथी। कुवैत में चल रहे एशियन यूथ चैंपियन में कुशांबे की बेटी ने जीता सिल्वर, यूपी के डिप्टी सीएम ने दी बधाई। यूपी पेट परीक्षा में आजमगढ़ से फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार, दूसरे की जगह पर दे रहा था परीक्षा। सॉल्वर बैठाने वाले बिचौलिए की तलाश में एसटीएफ, 40,000 में हुआ था सौदा। एमपी के मंदसौर में चंबल नदी में 7 लोग डूबे, 2 को बचाया गया, 4 के शव बरामद। मंदसौर में देर रात तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, 1 शख्स अब भी लापता। यूपी के गोरखपुर में बाइक शोरूम में आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। प्रयागराज में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। नोएडा सेक्टर 22 में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत, सिर पर चोट के निशान, परिजनों ने जताया हत्या का शक। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, चिट्ठी में सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब। दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में एक युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। औरैया के पेट्रोल पंप मालिक ने किया सराहनीय काम, मिठाई की दुकान पर लगी आग बुझाने के लिए दिए फायर एक्सटिंग्विशर, टला बड़ा हादसा। टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी प्रैक्टिस मैच, ब्रिस्बेन के गावा में होगा मुकाबला। टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने किया उलटफेर, पहले मैच में ही श्रीलंका को 55 रनों से दी मात। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा पार्टी की पॉलिसी नफरत की, मदरसों को फंड जारी करे सरकार। सहारनपुर में यूपी के मंत्री असीम अरुण ने राजकीय आश्रम पद्धति महिला विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं से की बात। पणजी में विश्व बुजुर्ग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने की शिरकत। शोपिया में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए बांदीपुरा में निकाला गया कैंडल मार्च, लोगों ने किया शांति प्रदर्शन। उत्तराखंड में चार धाम समेत अहम जगहों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, धमकी भरे खत मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी ने एटा को 419 करोड़ रुपए की परियोजना की दी सौगात, विकास से जुड़ी परियोजनाओं को भी परखा। सीएम योगी ने मंच से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए, पौधारोपण भी किया। सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी के आह्वान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को उत्तर प्रदेश जमीनी रूप में कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री के जगह आह्वान को जमीनी धरातल पर लागू करने का काम उत्तर प्रदेश इस रूप में कर रहा है। देहरादून में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 3 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उठाया गया है कदम।
हरियाणा की अरावली पर्वत श्रृंखला को दिल्ली एनसीआर में प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने पर सीएम खट्टर का बयान, कहा करीब 10,000 एकड़ में विकसित की जाएगी विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी। एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि AFWWA ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, करीब 42,000 ऊनी टोपियां बुनकर की प्रदर्शित। उत्तराखंड पहुंचे उद्योगपति अनिल अंबानी, बद्रीनाथ धाम में की भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना। फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने स्कूल में लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, हथियारों के बारे में जानने के लिए उत्साहित नजर आए बच्चे। केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान, पहली बार 15 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। कोरोना के चलते 2 साल बाद पूरी तरीके से शुरू हुई केदारनाथ धाम यात्रा, रिकॉर्ड बनने के साथ ही स्थानीय लोगों को मिल रहा है रोजगार। केदारनाथ धाम में मौसम हुआ सुहाना, चटक धूप में चांदी की तरह चमक रही है केदारनाथ की बर्फीली पहाड़ियां। अभी भी यात्रा में 10 दिन की यात्रा शेष, बाबा के दर पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। मॉनसून ब्रेक के बाद फिर खोला गया मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, लेकिन अभी नहीं हो सका नामीबिया से लाए गए चीतों का दीदार, क्वारंटीन एरिया में जाने पर रहेगी रोक। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान, हांगकांग पर नियंत्रण, अब बात ताइवान की बारी। उत्तर कोरिया से गठजोड़ मजबूत करने में जुटा है चीन, जिनपिंग ने किम जोंग को लिखी चिट्ठी। हिमाचल की धर्मशाला में तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन, जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी। ब्रिटेन में बढ़ सकती है महंगाई, वित्त मंत्री ने दिए टैक्स बढ़ोतरी के संकेत, कहा कटौती की वजह से बिगड़े हैं हालात। इलॉन मस्क का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को मिलता रहेगा स्टारलिंक का फ्री इंटरनेट। यूक्रेन के दोनेत्स्क में मेयर के कार्यालय को निशाना बनाकर रूस ने रॉकेट से किया हमला, 4 लोग घायल, कई गाड़ियां हुई तबाह। रूसी सैन्य ठिकाने पर आतंकी हमलों को लेकर बेलग्रेड के गवर्नर का बयान, कहा हमले में किसी नागरिक की नहीं हुई है मौत, लेकिन कई सैनिक मारे गए। ईरान की राजधानी तेहरान की जेल में लगी आग के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन, कैदियों के समर्थन में लोगों ने निकाला मार्च। फिलीपींस में आए तूफान के बाद भीषण बाढ़ से भारी तबाही, सड़कों पर बह रहा है सैलाब, कई लोगों के घरों में घुसा पानी।